तख्ते लाहौर किसका होगा, फैसला कौन लम्हे में, बस एक दिन बाकी। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के लिए 20 हलकों में इंतजाम मुकम्मल, मैदान कल सजेगा। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। आजाद उम्मीदवार भी कांटे का मुकाबला करेंगे। उम्मीदवारों के इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म, गुज़श्ता रात 12 बजे खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सामान की तरसील का अमल जारी कर दिया। अमला सामान लेने पहुँचने लगा, बाज़ मुकामात पर इंतखाबी सामान की फरामी ताखीर का शिकार। इलेक्शन के रोज पुलिस, रेंजर्स और फौज के अहलकार पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। वजीर दाखला राना सनाउल्लाह की इमरान खान को 17 जुलाई को दंगा फसाद से बाज रहने की वार्निंग। कहते हैं कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को पंजाब के भाइयों से लड़ाने की साजिश कर रहा है। इतला है कि 500 से ज्यादा फसादी पंजाब पहुंचाए गए हैं। डस्का इलेक्शन वाली हरकत की गई तो कानून हरकत में आएगा। साफ शफाक और पूरा अमन ज़िमनी इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। पंजाब असम्बली का इलेक्शन अहमियत इख्तियार कर गया। ज़िमनी इंतखाबात की बुनियाद पर अगले वज़ीर आला का फैसला होगा। हुकूमत को 20 में से 11 नशिस्तें दरकार होंगी। अपोजिशन इतिहाद को 185 सीटों के लिए 13 पर कामयाबी समेटनी होगी। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली फैसल नियाजी के इस्तीफ़ा और मोहम्मद काशिफ की नाअहली से हुक्मरान इतिहाद की 2 सीटें कम हो गईं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुल को मिलाने वाला दरिया खान का पुल पंजाब हुकूमत ने बंद कर दिया। दरिया खान का पुल सिक्योरिटी खदशात के बहस बंद किया गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। पुल के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। जिला बखर की तहसील दरिया खान में कल ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। लाहौर की तसाब अदालत में आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस की समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी हो गई। अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। कोरोना की छठी लहर खतरनाक होने लगी। 4 माह बाद एक ही रोज में 10 मौत हो गई। 737 नए केसेस भी रिपोर्ट। मस्बत शरह 3.28% तक पहुंच गई। लाहौर में सबसे ज्यादा मस्बत शरह 6% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना का फैलाव 4.8% रहा। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर का मतलब अबर रूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिस्टम मजीद शिद्दत से बरसने की तवक्को है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी और कीचड़ता हाल मौजूद। उधर कुंद कोट समेत सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ शहरों की गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। फोर्ट अब्बास में 2 नहरों में शफाक पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान। पाक श्रीलंका पहले टेस्ट का आगाज। मेजबान टीम ने खाने के वफके तक 4 विकेटों पर 80 रन बना लिए। यासिर शाह ने 2 और हसन अली शहनशाह अफरीदी ने 1-1 विकेट हासिल की। बाबर 11 में ऑलराउंडर आगा सुलेमान का डेब्यू और यासिर शाह की वापसी। वाद आलम को रेस्ट दिया गया।